उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणाएं तो अभी नहीं हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी चर्चाएं इस समय जोरों पर चल रहा है। हालात यह है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के भावी उम्मीदवार हैं अपने अपने मतों को आकर्षित करने में इसी समय में जुट गए हैं। वहीं बात करें पूर्वांचल की तो यहाँ पंचायत चुनाव के समय गैंगवार जोरों पर चलता है। परिणाम यह है कि अभी पंचायत चुनाव से पहले ही हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने अब गांव में खून बहाना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए पुलिस विभाग भी अब सक्रिय हो गया है। बात करें मऊ जिला की तो यहां के एसपी सुशील कुमार धुले ने बताया कि इसके लिए चुनाव सेल का गठन हो गया है। उसके द्वारा जिन जिन गाँव में अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं या 2015 के पंचायत से संबंधित जो भी अपराध हुए हैं उनमें शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। ऐसे लोगों को तलाश करके या तो जिला ब्रदर किया जाएगा, तमाम कार्रवाई किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों के पास अगर शस्त्र हैं तो उनके लाइसेंस रद्द करने की भी प्रक्रिया अब चल रही है। पुलिस तो जुट गई है, लेकिन जो संभावित हत्याओं का दौर है वह रुक पाएगा इसको लेकर के एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बात करें पूर्वांचल की तो यहाँ पर पंचायत में खून बहना एक सुनिश्चित माना जाता है। अब देखते हैं इस बार क्या खून बहेगा या कुछ रुकेगा।